The final leg of the contentious Kyan Vapi Morse survey has finally been concluded. Lawyer for the Hindu plaintiffs has made a sensational claim as the Kyan Vapi survey ended. He said they found remains of a shivling inside the well of the mosque and are taking the shivling to the civil court for its protection. The lawyer has told India Today the whole premise echoed with Har Har Mahadev chants after the shivling was discovered. However, the lawyer for the Muslim side said the claims by Hindu side are incorrect. Survey on the final day was conducted by a team of 36 members. On day two, the western walls and dome of the mosque were examined. ये काशी की नगरी है और काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। हारा हारा महादेव। साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही, उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। कुएं में मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए बस। तो जो आप लोग दावे कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे सोहना जी, जो दावे कर रहे थे वो सभी सही है क्या? तो हम साधुवाद देते हैं उनके नेतृत्व में एक वादी प्रतिवादी मधुर ढंग से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। आज या कल उनके बहुत ही पूरा ढंग से या जांच सोहना जी, आज संभावना है रिपोर्ट की सबमिट की, आज या कल। अच्छा सोहना जी, कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है, लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता, उसकी जो प्रमाणिकता, वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार है, इसे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोलेज नहीं। हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दे। शासन की होगी बाद लिपि को आदेशित किया जाता है कि वह अविलंब इस आदेश को प्रति संबंधित अधिकारी को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करवाए। निर्देशित किया है। My colleague Samar Srivastava is getting us more details, joining us from Banaras right now. This strengthens the case of the Hindu side that has always, Samar, been arguing that indeed this was a temple and that was that a mosque was built on the temple. Okay, in fact, we'll just connect. देखिए हमें आइए साथ साथ बोलिए, एक साथ, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। मैं क्या कह रहा हूँ, बॉस बॉस दो मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, कॉमन ले लीजिए, अलग हिंदू पक्षीय वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी आज बताइए क्या अपडेट है, क्या चीजें मिली? देखिए आज मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी सुरक्षा करेंगे और वहाँ पे किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित करें। आकार क्या है इस शिवलिंग का? ऑर्डर जैसे शिवलिंग का आकार होता है 12 फुट बाय 4 फुट की डायमीटर का आकार है उसका। ऑर्डर भी है कुछ आप पढ़ के बता रहे? मैंने आपको बताया था ऑर्डर पढ़ के। फिलहाल जो है क्या चीजें निकली है, किस एरिया में निकला है? वजू खाने, मैंने आपको बताया तो अभी मस्जिद के सामने वजू खाने के बीचों बीच शिवलिंग मिला है नंदी के ठीक सामने। ऑर्डर प्लीज। पत्रा प्रार्थना पत्र 78 गांव स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है
उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनके अधिकारी की होगी। ये आपकी प्रोटेक्शन के बाद आगे क्या लिखा है? यही है कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि उसको स्टे उस पूरे एरिया को सील कर दें और डीएम और जो ऐसे आपने जो प्रोटेक्शन मांगी है उसके बाद ये आदेश दिया गया है। आप जैसे आपने कहा था शिवलिंग के लिए प्रोटेक्शन लेने आप जा रहे हैं, जी जी, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है। अब हमारा मानना है कि वो शिवलिंग है, अब मुस्लिम पक्ष नहीं मानता तो ये उनकी मर्जी है। मैंने आखिरी पेज आपको पढ़ के सुनाया भैया, अभी वही सुनाया। मतलब अब आप कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर, आपको क्या लग रहा है प्रोसीडिंग आगे जाएगी, रिपोर्ट कब सौंपेंगे आप? अब रिपोर्ट तो कमिश्नर साहब को सौंपनी है, हम जो आज हमें एक तथ्य मिला था उसको प्रोटेक्ट करने की बात थी और उसमें माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि उसको सील किया जाए। गहराई भी शिवलिंग की बहुत नीचे तक है, करीब 3 फीट तो है ही है, 3 फीट नीचे तक और है, अभी दिखने में 3 फीट दिख रहा है, अभी तो और नीचे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी। और हमारे साथ मौजूद है मदन जी, मदन यादव जी हैं, मदन यादव जी भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर मदन जी, क्या क्या चीजें अंदर मिली हैं? वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहां बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। आप लोगों को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ पे किसी प्रकार का आप न करें। कल आप लोगों को क्या बताया गया, फव्वारे वगैरह कुछ बोला गया? वो कहें कि वो फव्वारा है, बहानेबाजी कर रहे थे। आप लोगों को डिस्क वो करा जा रहा था कि जो है, जी जी। तो ये देख सकते हैं मदन मोहन यादव जी ने बयान दिए हैं, इस तरह के बताया है कि शिवलिंग मिला है और कल परसों जब सर्वे हुआ तब एक तरह से इन लोगों को बताया गया कि उस जगह पर फवारा है, शिवलिंग जैसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका यह दावा है, इनका यह आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने मिसलीड करने का भी प्रयास किया। पर बड़ी अपडेट ये है जो ये बता रहे हैं दोनों ही वकील हिंदू पक्ष के, चाहे शिवम जैन हो, चाहे विष्णु जैन हो, चाहे मदन यादव हो, इन्होंने बड़ी अपडेट दी है। 12 फीट 8 इंच बाय डायमीटर है शिवलिंग और 3 फीट और गहरा है। तो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई किस तरह से बातचीत करके कि फिलहाल ये बड़ी अपडेट्स यहाँ से निकल कर आ रही हैं। अब जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ करा गया सीआरपीएफ के जवान अंदर रहेंगे, उस एरिया की प्रोटेक्शन भी होगी। अब देखना है कि इसको लेकर आगे मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, क्योंकि कल बड़ा दिन होने वाला है। कल अब सर्वे खत्म हो गया है, कल इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कैमरामैन वाराणसी आज तक। समर्थ, व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड गोइंग फ्रॉम हियर ऑन, गिवन दैट लाइक आई सेड the discovery essentially of the shivling essentially has strengthened the case of the Hindu side, hasn't it? What next when this report is presented as mandated by the court tomorrow? See, it's going to be worth seeing how the court takes it, because what's the latest update? As I just told, that they are claiming, the Hindu side is claiming that they have found the shivling, and what I get here is the update out here that it is somewhere around 12 feet and 8 inch by diameter and 3 feet by height, and it can go much deeper inside. So these are the things happening in the local court of Varanasi. So I'm showing you the visuals out here. So the current update out here is the shivling part, because they are claiming the Muslim side tried to divert them as per the Hindu side, that they were saying that there is some shower in that area and fishes will be killed if you take out the water. But after entire discussion, the water was taken out from that particular area, and then the shivling was visible by the Hindu side and Advocate Commissioner as well. Samarth, thanking you for the moment. We'll keep coming back to you for more on that story that is developing from Varanasi.